all, thank you media friends for joining us today. So first of all, myself Miss Ponum Darang, President Women Wing APSU, जो कि मेरे right side में है मेरे GS Women Wing का Miss Khoda Yalam, और जो कि मेरे left side में है Convener Women Wing Miss Techi Tanu. The purpose of this press conference is to address several pressing issues grave concern within our community. We intend to provide updates and discuss following topics. So आज का जो main topics रहेगा, it will be on updates, जो कि चार cases है. So I'll read. So first of all, पहला होगा कि इंटर स्टेट सेक्स ट्रैफिकिंग केस ईटानगर, जो कि मे को रजिस्टर हुआ था केसेस, जो आई थिंक कि आप सबको मालूम है क्योंकि ये जो सोशल मीडिया में भी बहुत चर्चा पे रहा है. एंड सेकेंड विल डिस्कसिंग ऑन दी रिसेंट लॉन्गडिंग सेक्स रैकेट केस वॉज बास्टेड, जो कि जोलांग में था, बट फिर भी केस वॉज रजिस्टर्ड, केस जो लॉन्गडिंग में रजिस्टर्ड हुआ है. सो उसका बारे हम लोग बात करेगा, विल अपडेट्स ऑन दैट. एंड थर्डली द रिसेंट केस, जो कि दापोरिजो जो माइनर गैंग रेप केस, जो जो कि रिसेंट अभी 22 में हुआ था, 22 जुलाई में. सो केस वॉज रजिस्टर्ड ऑन 28 जुलाई. And last but not the least, we'll talk about the जो सी योमी मोलेस्टेशन केस था, जो सी योमी के उधर में चाइल्ड मोलेस्टेशन केस था, तो उसके ऊपर भी हम आज अपडेट्स देंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा हमने कहा कि ये जितना भी हो रहा है केसेस, जो कि स्पेशली लड़की के ऊपर है, चाइल्ड्स के ऊपर है, क्राइम अगेंस्ट दी वुमेन एंड चाइल्ड. सो हम लोग भी चाहते हैं कि ये जितना भी केसेस है इसका ऊपर अपडेट्स रहे, पब्लिक भी जाने. वी नीड आल्सो पब्लिक अटेंशन, एंड वी आल्सो मेक श्योर कि ये जितना भी केसेस है ये लोग को इट शुड बी जस्टिस शुड बी सर्व. सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आज अपडेट देने आया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वी टॉक अबाउट इंटर स्टेट सेक्स ट्रैफिकिंग केस ईटानगर. सो इसके सबसे पहले हम लोग इसमें बात ये करना चाहेगा कि हम लोग जो कि इट वॉज लेड बाय एसपी कैपिटल रोहित सर है. हमने रोहित सर से थ्रोली बात किया, इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, सो उसके बारे में ही बताना था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी मेट हिम फर्स्ट, सो उस समय कुछ कुछ एक्यूज को गिरफ्तार नहीं किया गया था, बट राइट नाउ और उसके बाद जो सप्लीमेंट्री चार्ज शीट है वो भी फाइल नहीं किया गया था ड्यूरिंग दैट टाइम. बट रिसेंटली हमें जब व्हेन वी टॉक यस्टरडे हमने जब बात किया, अपडेट्स लेने गया, तो वहाँ में पता चला कि जो कि सप्लीमेंट्री चार्ज शीट है उसे भी एसपी सर ने फाइल किया है, और उसके साथ साथ जितना भी एक्यूज है, 30 एक्यूज है, वो सब रिमांड में है, दे ऑल इन द जुडिशियल कस्टडी. सो उसके बाद अभी चार्ज शीट भी फाइल हो गया सप्लीमेंट्री, और सब कस्टडी में है. सो ट्रायल है, जो ट्रायल है, जो केस का ट्रायल होगा, इट विल बी सून, जो ट्रायल होगा वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा. दैट्स द अपडेट ऑन इंटर स्टेट सेक्स ट्रैफिकिंग केस. नाउ वी नेक्स्ट मूव ऑन, हम लोग मूव ऑन करते हैं, तो वो रहा ये ईटानगर केस का. और नाउ वी नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकेंड केस, दैट इज लॉन्गडिंग सेक्स रैकेट विच वॉज रिसेंटली बस्टेड. यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, और वो भी इट वॉज बस्टेड फ्रॉम दी जोलांग, जो कि जोलांग में है. जोलांग में कुछ ऐसा एक रेस्टोरेंट टाइप से है, वहाँ से बस्ट किया गया है. सो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो इवेंडो इट वॉज यहाँ में जोलांग का है, बट इट वॉज जो केस है वो लॉन्गडिंग पे रजिस्टर्ड हुआ है. सो जो कि लॉन्गडिंग की जो एसपी है, जो लॉन्गडोंग की एसपी है, देखियो गुमजर सर जी, वो इसे हैंडल कर रहा है. सो ही गिव अस इंफॉर्मेशन, वो अकॉर्डिंग टू हिज इंफॉर्मेशन आपको हम लोग अपडेट दे रहा है. सो सबसे पहले तो यहाँ पे 7th अरेस्ट किया गया है अभी तक, ऑलरेडी उन्होंने भी बताया है, आप लोग सोशल मीडिया में भी देखता होगा. फिर भी यहाँ पे 7th अरेस्ट किया गया है जो मेन एक्यूज है. सो वहाँ से 3 वेयर ट्राइबल एंड 4 वेयर नॉन ट्राइबल, और उसे सबको जुडिशियल कस्टडी में अभी तक रखा गया है. और इसका ऊपर जो कि एसपी सर है देखियो गुंजा, उसने एक एसआईटी बताया गया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लेड बाय द डीएसपी इंक्लूडिंग 2 एसआई. सो अभी ये जो केस रिसेंट का है, रिसेंटली है हुआ है, सो उसका ऊपर जो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है और बहुत अच्छा से जा रहा है. एंड वी ट्रोली बिलीव कि हमें पूरा पुलिस प्रशासन पे भरोसा है कि वो अपना इन्वेस्टिगेशन अच्छा से करेगा. और उसके बाद विद इन 90 डेज फ्रेम होता है, 90 डेज के अंदर आपको चार्जशीट फाइल करना पड़ता है. सो अभी टाइम इज देयर. सो हम लोग भी चाहता है कि चार्जशीट इतना स्ट्रांगली फाइल करें कि उसमें जो कि एक्यूज्ड है उसको वो लोग बचने का मौका ना मिले. सो उसके लिए वी रिक्वेस्ट एंड वी बिलीव कि वो लोग उसको बहुत अच्छा से करेंगे. दैट्स वाई वी दे ऑल्सो
वो लोग एक गठन भी किया है SIT और उसके साथ साथ SIT के साथ साथ यहाँ पे लेट मी नो कि यहाँ पे जितना भी विक्टिम्स है दे वर ऑल वर माइनर्स, 5 माइनर्स है और जो कि लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट का ही ट्राइबल लड़की है। सो उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि जो केसेस वहाँ पे हुआ है, ये जितना भी केसेस है यहाँ पे दे वर यहाँ पे इसके साथ साथ SIT के साथ साथ वहाँ के जितना भी वेलफेयर सोसाइटी है, वहाँ का CBOs हो गया, वेलफेयर सोसाइटी हो गया, वो सब मिलके ये केस को आगे लेके जा रहा है। एंड वी वांट टू थैंक्स देम जो भी वहाँ में पुलिस के साथ दे रहा है, वहाँ पे जो भी कंसर्न स्टेक होल्डर है लॉन्डन के वासियों को, वी वुड लाइक टू थैंक्स कि आप लोगों ने इतना साथ दिया है और इतना प्रेशराइज कर रहा है कि ये केस जो एकदम फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना है। सो उसके लिए थैंक यू CBOs एंड ऑल दी वेलफेयर सोसाइटी ऑफ दी लॉन्डन। एंड नाउ लेट्स कम टू यहाँ पे क्या होता है कि, और दूसरा चीज़ उसके साथ साथ जो अभी तो केस बहुत स्मूथली जा रहा है और यहाँ पे क्या मिला है कि जो कि जोलांग में जहाँ से वो लोग रैकेट चलाता था ये सेक्स को, जहाँ पे जो मेन एक्यूज्ड थे लॉन्गडिंग का वाला, जहाँ पे जो मेन एक्यूज्ड जोलांग पे चलाता था, तो वहाँ पे एस पार्टी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी SP हमें ये पता चला है कि जो ओनर है, जो लैन ओनर है, एक्चुअल लैन ओनर है, वो उन्होंने उसे उसके हवाले कर दिया जो कि मेन एक्यूज थे। उसके बाद ही नेवर शायद उसने कभी पता लगाने के लिए कोशिश नहीं किया गया होगा या फिर उसको मालूम नहीं था कि उसका पीछे उसका प्रॉपर्टी में क्या चल रहा है। और उतना ये भी पता चला है कि जो कि कंस्ट्रक्शन है, जो कि जो एक्चुअल बिल्डिंग है, उसे ज़्यादातर 50-60% जो कि एक्यूज थे तो उन्होंने ही कुछ कंस्ट्रक्शन किया है। और अगर आप इफ़ यू अब अगर अगर जाके देखेगा तो आपको पता चलेगा कि बाहर से ऐसे लगेगा भी नहीं कि वहाँ में रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट कम बार, वहाँ पर रेस्टोरेंट कम बार चलता है और रेस्टोरेंट कम बार के साथ साथ सेक्स रैकेट भी होता है वहाँ पे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे SP का इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे बार लाइसेंस नहीं है, दे डिडंट हैव द बार लाइसेंस इवन दो दे आर रनिंग इट, वो लोग रनिंग कर रहा है। सो यू कैन सी, तो मैं यहाँ पे बस उतना ही अपील करना चाहूँगा कि जो यहाँ पे ओनर होता है, जो प्रॉपर्टी ओनर या फिर बिल्डिंग ओनर, तो मैं उतना ही अपील करना चाहूँगा कि काइंडली आप जब भी किसी को अपना प्रॉपर्टी रेंट पे देता है, जब भी अलॉटमेंट देता है, काइंडली आप लोग चेक कीजिएगा एक बार कि वहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। सो इट विल हम लोग का तरफ से एक अपील रहेगा जितना भी आपके माध्यम से हमें देख सकता है कि काइंडली यू शुड टेक केयर ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ताकि कल को ऐसा ना हो जाए कि आपका ऊपर ही ब्लेम आ जाए, आपका ऊपर ही कुछ कार्रवाई केसेस हो जाए। सो इट इज एन अपील। सो ये रहा लॉन्गडिंग का। एंड नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, जो कि थर्ड है हमारा आज का मेन। सो थर्ड विल बी दापोरिजो माइनर गैंग रेप केस, जो कि बहुत चर्चा में आया है रिसेंटली, आप लोग सभी को पता होगा, स्पेशली मीडिया वाला को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले इसका जो केस को जो हैंडल कर रहा है, जो कि तुतन जम्बासा है, जो कि SP दापोरिजो है, वी कंटेक्ट हिम, वी टॉक टू हिम, हम लोगों ने टीम वोमेन विंग ने उससे बात किया, देन आफ्टर वी केम हियर। सो यहाँ पे हम वही बात कर रहा है जो इन्फॉर्मेशन हमें SP ने दिया है। सो SP के इन्फॉर्मेशन के आधार पे ही हम लोग यहाँ पे आपको अपडेट्स दे रहा है। सो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑल्सो शॉक, हम लोग भी बहुत शॉक है कि ये इतना खराब हीनियस इंसिडेंट हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो कि विक्टिम्स है, सो यू ऑल नो, आप लोग सबको पता होगा, सी 13 ईयर्स ओल्ड, बहुत छोटी बच्ची है 13 ईयर्स ओल्ड, एंड 5 जो कि एक्यूज है, जो कि 5 एक्यूज है। सो आई डोंट थिंक सो कि हमें इतना डिटेल पे जाना है केस का सिलसिला में, यू ऑल नो, आप लोग को पहले से पता है कि 22 से लेके 5 डेज उसे कन्फाइन करके रखा गया और केस रजिस्टर हुआ 28 जुलाई को, बट अभी ये आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, ये अभी लाइमलाइट पे आ रहा है ये केस जो। सो यहाँ जितना भी कार्रवाई लेना है वो सब ले रहा है ये जो SP है। और उसका बाद केस आयोग को भी उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली, क्योंकि ये बहुत एक हीनियस क्राइम है, सो इसीलिए इसे वो लोग बहुत ही सीरियस वो पे ले रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज ये सब इन्फॉर्मेशन सर ने खुद दिया है। सो और उसके बाद आप मीडिया में भी देख सकते हैं, सो वी दिन जब केस जो रजिस्टर हुआ, जिस दिन 28 जुलाई को केस रजिस्टर हुआ, 24
आवर्स के विद इन टाइम फ्रेम में ही जितना भी एक्यूज है पाँचों का पाँच को अरेस्ट किया गया है। और जैसा हमने बताया कि आप सभी को मालूम होगा, स्पेशली जो लो बैकग्राउंड से है, कि इसमें चार्जशीट के लिए 90 डेज लगता है, उससे भी ज़्यादा। सो अभी केस तो रिसेंट है, तो अभी ऐसा नहीं कि पुलिस जो अपना प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा से कर रहा है और रनिंग हो रहा है। सो आफ्टर 90 डेज से जितना भी चार्जशीट फाइल वगैरह होगा एंड आफ्टर डेट ट्रायल प्रोसीडिंग भी शुरू हो जाएगा। सो वो रहा दापोरी जो रेप केस माइनर के ऊपर में। और यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो और अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी जो दापोरी जो की ब्रांच है, तो आप देख सकता है कि उन्होंने भी बहुत ही स्ट्रेस किया है। उन्होंने भी एसपी सर को जाकर रिक्वेस्ट किया है कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना है और एक्यूज लोग को जितना भी एक्यूज है उसे सजा मिल सक से सख्त सजा मिलना है। और यहाँ पे ये एसपी सर का वो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब ट्रोली किया है और साथ ही साथ मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि विक्टिम है उसका ट्रोली मेडिकल एग्जामिनेशन भी हुआ है। देन आफ्टर दे गॉट टू नो कि सी वॉज सेक्सुअली असॉल्टेड, तो उसके आधार पे ही ये लोग दापोरिजो पुलिस वाला काम कर रहा है। एंड नाउ यहाँ पे ये सब तो पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर रहा है यहाँ पे। सो एक्चुअली मेरा यहाँ पे एक ये बात रहेगा, ऐसे वी ऐसे वोमेन यहाँ पे मेरा एक बात ये रहेगा कि जब भी हम लोग यहाँ पे के रेप केस का बारे बात करता है या फिर माइनर को ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के बारे बात करता है, तो ज़्यादातर ये क्या होता है कि पीपल सबको तो नहीं बोलेगा, कोई कोई सबको, आई एम नॉट, हम जनरलाइज नहीं कर रहा है, बट कोई कोई ये उंगली उठाता है कि अरे ना बच्चा है उसको क्या ज़रूरत था उधर जाना इधर जाना इधर ये करना। और कोई कोई किसी किसी को ऐसा भी पॉइंट आउट कर देता है कि करेक्टर लेस है। हम जस्ट जो पब्लिक का बात जो मिल कुछ सुनने को उसको हम बता रहा है, हम सबको नहीं बोल रहा है। सो मेरा यहाँ पे एक यही हो रहे एक बात यही मैं कहना चाहूँगा कि आप मान आप देख लीजिए यहाँ पे भी जो केस है ये सी 13 years old और आप यहाँ पे जितना भी एक्यूज आप देख लीजिए दे ऑल आर 30 years plus, कि एक जो 29 है एक 30 है और दूसरा सब 30 plus। सो आप यू कैन लिटरली सी कि वो सब एडल्ट है जो कि एडल्ट है, खुद का पास सोचने समझने का अपना है तरीका है। बट अब यू कैन जस्ट इमेजिन जो माइनर होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे हम ये विक्टिम का बारे बात नहीं करते, मैं जनरली टीन एजर के बारे जितना भी माइनर्स है उसका बारे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ में जो माइनर होता है, जो छोटी बच्ची होता है, नॉट ओनली बच्ची, वाई सुध बच्ची, लड़की सिर्फ नहीं, लड़का का साथ भी रेप होता है। ये रेप जो नॉट ओनली कन्फाइंड टू द गर्ल्स ऑल्सो टू द बॉयज, जब भी जहाँ पे रेप होता है माइनर्स के साथ, यू मेक श्योर रेप होता है या फिर सेक्सुअल असॉल्ट होता है, कुछ भी होता है, तो यू शुड अंडरस्टैंड आप उसके साथ जो कर रहा है। अब तो ज़्यादातर जो एक्यूज होता है वो तो बड़ा होता है ना, वो तो सब 18 plus होता है। आप लोग समझदार है तो आप लोग जो छोटा है वो लोग वनरेबल स्टेज में होता है, इतना छोटा है, वो लोग को सही गलत या फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है। सो यू शुड अंडरस्टैंड आप बड़ा है, आप समझाना है, अगर समझाना नहीं तो आपको ये सब चीज़ में हाथ ही नहीं डालना है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि यू आर द वन रेस्पॉन्सिबल, आप जो बड़ा है जो जानता है, आप लोग ऐसे चीज़ में वो मत कीजिए ना जो कि माइनर है, आपको पता चलता है कि माइनर है। बिकॉज जब टीन एज होता है या फिर माइनर होता है, इट्स ए वनरेबल स्टेज, यहाँ पे हमको लगता है कि हम समझता है, वी नो एवरीथिंग, नो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ईजी टू मैनिपुलेट, नॉट ओनली टू द गर्ल्स, सिर्फ बच्चा को नहीं, मेल्स को भी, लड़का लड़की दोनों को आप इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। और यहाँ पे हम मेरा वही एक अपील रहेगा कि जितना भी जो जानता है जो समझता है, जैसे कि लाइक अस जो एडल्ट्स है, सो यू शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो माइनर्स है जो कि वल्नरेबल स्टेज में है, आप उसका एक्सप्लॉइट ना करें या फिर उसको आप मैनिपुलेट ना करें। सो नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेक्स्ट कम टू द आवर लास्ट पॉइंट जो कि आज का लास्ट पॉइंट है, तो मैं लास्ट पॉइंट पे यही कहना चाहूँगी कि लास्ट पॉइंट इज सी योमी चाइल्ड मॉलिस्टेशन केस, जो सी योमी का था तो आपको आप सभी को मालूम होगा और सब बहुत सारा पीपल ऑल्सो वॉन्टेड टू नो कि ये केस का अभी क्या है, क्या चल रहा है, कहाँ पे पहुँचा ये केस। को शुरू से हमने वोमेन विंग टीम ने मिल के जो कि वहाँ है वो लोग के साथ हमने ट्रूली मिल के इसे शुरू से फॉलोअप किया है। सो टुडे आज यहाँ पे रिजल्ट ये है कि इसका जो सब कुछ हो गया, इसका जितना भी ट्रायल होना था, जितना चार्जशीट, एवरीथिंग वॉज डन। तो यहाँ पे अभी लास्ट एक वो ही सिर्फ बचा है कि जो लास्ट आर्गुमेंट है जो पीपी के साथ पब्लिक प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के साथ एक लास्ट फाइनल आर्गुमेंट होगा, वो फाइनल आर्गुमेंट जो 20 को होना था, ये 20 को बट नहीं हो पाया। इट्स वहाँ पे जो कि डिफेंस है उन्होंने इसे आगे एक डेट मांगा, तो ये जो इसका लास्ट जो फाइनल आर्गुमेंट होगा ये अपकमिंग जो 28 है, ये 28 को
इसका फाइनल आर्गूमेंट होगा, देन आफ्टर विल गेट टू नो कि उसमें जज जो क्या वर्डिक्ट देता है जितना भी एक्यूज है। तो वहाँ पे भी पाइप आपको याद होगा, पाइप एक्यूज होगा, जो मेन एक्यूज है ही वॉज वार्डन, और जो चारों है वो एक टीचर था वहाँ का। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि वहाँ पे जितना भी 21 स्टूडेंट था सब माइनर्स था, 21 में से 15 गर्ल्स एंड दी 5 बॉयज, वो लोग जितना भी माइनर्स था उन्हें जो कंपनसेशन मिलना चाहिए, लीगल एड तो मिल ही रहे, पीपी तो मिल रहे उसे गवर्नमेंट की ओर से, और जो कंपनसेशन मिलना था वो उसे कंपनसेशन भी सारा मिल गया है। सो दैट्स फॉर दी अभी का जितना भी हम लोग का ये है, दैट वॉज दी अपडेट, ये अपडेट देना चाहता था हम, बिकॉज एस आई ऑलरेडी सेड कि वी वॉन्ट टू, हम भी चाहते हैं कि पब्लिक पता चले कि यहाँ पे क्या चल रहा है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड व्हाट वी आर डूइंग अपसू वोमेन विंग टीम, बिकॉज ये पब्लिक के आगे आना बहुत जरूरी है। और हम यहाँ पे जितना भी हमारा पुलिस प्रशासन है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैं बहुत सारा अप्रिशिएट और धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो लोग अपना काम बहुत बखूबी निभा रहा है, एंड पीपल शुड अंडरस्टैंड कि पब्लिक जो देख रहा है हमें, कि आप लोग को भी मालूम होना चाहिए कि जब पुलिस का काम है एक्यूज को पकड़ना, उसका ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना, उसका बाद चार्जशीट बनाना, और जो फाइनल उसका जो वो होता है उसका उसको वर्डिक्ट देता है जज कोर्ट में, उसका जितना भी ट्रायल होता है या जो सजा मिलना है उसे कोर्ट करता है, उसे पुलिस नहीं करता है। एंड यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वी बीइंग एन प्रेशर ग्रुप, अपसू वोमेन विंग टीम, नॉट ओनली वोमेन विंग एंड अपसू, हम लोग एक प्रेशर ग्रुप है। सो व्हाट वी कैन डू, हम लोग वी आर नॉट द लॉ मेकर्स, हम लोग प्रेशर करना है जहाँ पे काम नहीं हो रहा है वहाँ पे हम लोग को प्रेशर करना है, जहाँ पे हम लोग को डिमांड्स रखना है या फिर अपील्स जाना है, दैट्स आवर ड्यूटी एंड टू मॉनिटरिंग। तो जितना भी यहाँ पे केसेस आ रहा है, अभी ये चार केसेस मैंने मेंशन किया, इसे हम कंटिन्यू मॉनिटर कर रहा है, वी आर कंटिन्यू टच विद दी एसपी, जितना भी ये जो केस का एसपी है, जिसे आप ब्लोंडिंग का मान लीजिए, आप दापो का मान लीजिए, आप इतानगर का मान लीजिए, वी आर कंटिन्यू इन टच, हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग भी चाहता है कि जितना भी एक्यूज है वो सबको सजा मिले, सख्त सजा मिले और एग्जाम्पली पनिशमेंट मिले, ताकि दोबारा हमारा स्टेट में ऐसा कोई ना कर सके। और इसके साथ साथ ये तो हो गया, सो हम लोग यहाँ पे एक हम लोग का एक ये रहेगा फर्दर स्टेप, जो हम लोग का वोमेन विंग टीम का एक फर्दर स्टेप ये रहेगा कि हम लोग यहाँ पे एक अपील रहेगा, जो हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को एक अपील रहेगा, एक अर्ज रहेगा कि देखिए यहाँ पे आए दिन राइज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वोमेन एंड चाइल्ड, बहुत सारा क्राइम्स बढ़ रहा है स्पेशली लड़की और बच्चा को लेके बहुत ज़्यादा, सो उसमें हम लोग सबसे पहले यही रहेगा कि हम लोग का ये अपील गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को यही रहेगा कि देखिए हम यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा लॉ है जो कि सेफगार्ड के लिए है, स्पेशली वोमेन के लिए, चाइल्ड के लिए बहुत सारा लॉ है। और स्पेशली आप इफ यू गो टू जो रिसेंटली 2018 में एक क्रिमिनल बिल पास हुआ था, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, सो आप वो सबको देख सकते हैं, बहुत सारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल विच वॉज पास इन 2018 इन आवर स्टेट, सो आप देख सकता है बहुत सारा लॉ है जो पास किया गया है हमारे लिए, हमारा प्रोटेक्शन के लिए, स्पेशली चाइल्ड और वोमेन के लिए, बट ये जो क्या हो रहा है कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। सो प्रॉपरली क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, सो लेट मी टेल यू कि प्रॉपरली इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, जितना भी ऐसा है ऑलरेडी सेड कि फाइनल यहाँ पे जजमेंट देना, ये सब ट्रायल ये सब कोर्ट में होता है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या है कि हमारा यहाँ पे जितना भी अरुणाचल में सेशन कोर्ट है, तो जितना भी अरुणाचल में सेशन कोर्ट है वहाँ पे जितना केसेस है, इट वॉज ओवरबर्डन, बहुत सा ओवरबर्डन होके बैठा हुआ है। आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप यूपीआर कोर्ट सेशन को ले लीजिए, आप पासीघाट का ले लीजिए, आप तेजू का ले लीजिए, आप या जस्ट लिटरली इमेजिन कि वहाँ पे जितना भी सिविल केसेस है, क्रिमिनल केसेस है, सबका ट्रायल वहाँ पे होता है। सो एक्चुअली वहाँ पे ओवरबर्डन होने के कारण यहाँ पे क्या है कि जितना भी केसेस आता है, आप लोग नॉट ओनली दिस, ये सिर्फ केसेस को, ये चार केसेस को नहीं बोल रहा, आप कोई भी केसेस को, आप जो बैक डेट में जाके कोई भी केसेस को उठा के देख लो, रिसेंटली एक रिपोर्ट में भी मैंने देखा था कि मोर देन 100 केसेस वेयर पेंडिंग इन आवर अरुणाचल, सो आप कोई भी केसेस को उठा के देख लो, ये सब क्यों इतना डिले हो रहा है, क्यों जो एक्यूज है उसको क्यों इतना जल्दी वो नहीं मिलता है, क्या था सजा नहीं मिलता है, इट्स ऑल बिकॉज हम लोग का जितना कोर्ट है इट्स टोटली ओवरबर्डन। तो हमारा यही क्योंकि ओवरबर्डन होने का कारण यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, जो कि लॉ है, जो कि उसको मिलना चाहिए, जो सजा मिलना चाहिए वो
प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है. इट्स ऑल बिकॉज दे डोंट हैव दिस सेपरेट कोर्ट. तो सब कोर्ट को तो हम नहीं बोलेगा बहुत सारा. अगर आप आउट स्टेट में देखने से, अगर इफ यू गो टू आउट स्टेट को अलग अलग, उसके लिए अलग अलग कोर्ट, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है वहाँ पे स्पीडी ट्रायल के लिए. सो मैं सबको तो नहीं कह सकूँगी, बट यहाँ पे क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे लड़की और बच्चा के ज़्यादा केसेस आता है, स्पेशली वोमेन एंड चाइल्ड, तो मैं उतना ही बोलूँगा जितना भी पोस्को जितना भी केसेस है उसके लिए एटलीस्ट, इतना तो नहीं बट एटलीस्ट आप एक स्पेशल एक कोर्ट वो कीजिए, इस्टेब्लिश कीजिए, स्पेशली एक फास्ट ट्रैक कोर्ट वो कीजिए पोस्को वो के लिए. पोस्को जितना भी केस है अरुणाचल में, जितना भी पोस्को केस है उसके लिए आप एक स्पीडी फास्ट ट्रैक एक कोर्ट रखिए, जहाँ पे जितना भी एक्यूज है, प्राइम एक्यूज है, जितना भी यहाँ पे केसेस आ रहा है वो सबको, ताकि जल्द से जल्द जितना भी प्राइम एक्यूज है सबको सजा मिल सके. सो ये हमारा अपील रहेगा, और ये अपील और एक अर्ज रहेगा कि आप काइंडली जितना भी हो सकता है एक सेपरेट कोर्ट फॉर दी पोस्को केसेस, जितना भी पोस्को केसेस है उसके लिए एक सेपरेट कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, या फिर आप बोल लीजिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, आप जैसे भी वो कीजिए. इट्स एन अपील टू आवर गवर्नमेंट. एंड आई उसके बाद उसके साथ साथ यहाँ पे वो तो हो गया, और यहाँ पे सेपरेट कोर्ट, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये होता है, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होगा हम लोग का. और दूसरा बात जो यहाँ पे ये होगा कि नेक्स्ट पॉइंट होगा कि जितना भी यहाँ पे हमने देखा है वोमेन पुलिस, जो कि वोमेन पुलिस होता है, सो अभी तक अक्टूबर 2023 के वो इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारा स्टेट में सिर्फ अभी तक 7 पुलिस स्टेशन है वोमेन पुलिस स्टेशन. तो आपको पता है कि हम इसलिए इसमें स्ट्रेस दे रहा है वोमेन पुलिस में, क्योंकि क्राइम जो ऐसा नहीं है कि लड़का के साथ भी नहीं होता है, होता है लड़का के साथ भी, लेकिन अभी का समय में ज़्यादा देखने को मिला कि लड़की और बच्चा के साथ हो रहा है. सो दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द वुमेन पुलिस. तो हम यही गवर्नमेंट से भी अपील करेगा कि 7 पुलिस स्टेशन है, शायद उससे भी थोड़ा बढ़ गया होगा ये आने वाला में, बढ़ेगा होगा. सो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि जितना हो सकता है हमारा यहाँ पे जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, अरुणाचल में जितना डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर में आप काइंडली यू मेक श्योर आप लोग ट्राई कीजिए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में पुलिस वुमेन पुलिस स्टेशन हो. दैट विल बी आवर सेकेंड पॉइंट. एंड द थर्ड पॉइंट हम जो यहाँ पे रहेगा, मेरा थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे रहेगा कि एक हेल्पलाइन है वोमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन. आप सभी को पता होगा वोमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन जो कि यहाँ से कैपिटल से ऑपरेट करता है. सो उसका एक वन स्टॉप टॉक एवरी डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसका एक यूनिट है OSD, वो कि हर एक यूनिट में होता है. सो मेरा यही रहेगा कि वहाँ पे भी जो हेल्पलाइन है उसमें आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, किसी भी कुछ भी आपके साथ घटना हो रहा है, आप बाहर में कहीं में आउटसाइड है, आप लोगों को सबको पता होगा हेल्पलाइन के बारे में. सो ये रहेगा मेरा दूसरा, यही रहेगा कि जितना भी डिस्ट्रिक्ट में उसका जितना भी यूनिट है हेल्पलाइन का, जितना भी यूनिट है, कि गवर्नमेंट उसको भी मेक श्योर कि इट वॉज प्रॉपरली फंक्शनिंग, ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है. अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो भी क्या क्या रीजन है, क्या उन लोगों का ग्रेविशंस है. सो फॉर एग्जाम्पल हमने पहले भी मीन्स हम मेक श्योर कि ये इट वॉज प्रॉपरली फंक्शनिंग, हमने कॉल ट्राई करके देखा 181 जो कि वर्ल्ड हेल्पलाइन है 181. सो हमने 181 में भी कॉल करके देखा कि इट्स वर्किंग और नॉट. सो इट वॉज टोटली वर्किंग, बहुत अच्छा से काम कर रहा है. और हमने पूरा महीना लिया कि डिस्ट्रिक्ट में कैसे चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट में भी सुना कि बहुत अच्छा से ये जो फंक्शनिंग हो रहा है. सो यहाँ पे तो हमने कहा कि आप लोगों का कुछ ग्रेविसेस होगा, कहाँ पे आप लोग ड्रॉबैक हो रहा है, तो उन्होंने यही कहा कि वो लोग का तरफ से, बिकॉज ये एक स्कीम है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है ये जो हेल्पलाइन है, तो सेंट्रल स्कीम होने के कारण क्या होता है कि सैलरी जो वो लोग को प्रॉपरली टाइम पे नहीं मिलता है, तो सैलरी प्रॉपरली टाइम नहीं मिलने के कारण वो लोग भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है. और नॉट ओनली दैट, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बात किया. सो मैं स्टेट गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, इवन दो इट्स अ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, बट स्टिल आप लोग भी, बिकॉज ये हमारा लड़की बच्चा लोग के लिए है, पोर्टी वोमेन सेफ्टी ऑफ दी वोमेन सेफ्टी ऑफ दी चाइल्ड, इसन इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो काइंडली आप लोग यहाँ पे भी स्ट्रेस दीजिए कि मेक श्योर कि जो वोमेन हेल्पलाइन है इट वॉज प्रॉपरली फंक्शनिंग. और अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिल सकता है, सैलरी में भी अगर वो कुछ हेल्प कर सकता है तो आप लोग कर दीजिए. और साथ ही साथ जहाँ से वो ऑपरेट कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, वहाँ पे भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है तो आप लोग ट्राई कीजिए कि वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक एवरी, जैसे हमने पुलिस वोमेन पुलिस का बारे बात किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर रहेगा वोमेन ये जो हेल्पलाइन है तो हमको ऐसा लगता है कि जो क्राइम रेट है वो कम होगा, क्योंकि वहाँ से वो अच्छा से मॉनिटरिंग कर सकेगा. सो ये तीन पॉइंट है, ये तीन स्टेप है जिससे हम ये अपील करना चाहेगा हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को. और इसके बारे सिलसिले में बात करने के लिए ही हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन भी, हम लोग का जो कि होम मिनिस्टर है, इससे हम एक रिप्रेजेंटेशन भी देंगे. तो
ये रिप्रेजेंटेशन देने से पहले हमने भी इसका ऊपर बारबली बात करने के लिए भी हम वी वेंट टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफिस. सो ही उसका वो अपना कुछ ऑफिशियल वर्क का कारण दे आर नॉट देयर मीन्स ऑफिशियल वर्क का कारण कुछ मीटिंग था. सो दैट्स व्हाई वी अनएबल टू मीट. बट आई बिलीव मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारा गवर्नमेंट है अरुणाचल की जो गवर्नमेंट है कि वो ये हमने जितना भी ग्रेवेंसेस रखा जो भी अपील होगा उसे वो जरूर पूरा करेंगे. बिकॉज ये गवर्नमेंट जो बहुत मीन्स स्पेशली दिस गवर्नमेंट इज ये जो लड़की बच्चा को लेके औरत को शक्ति के औरत और बच्चा का शक्ति के लिए दे आर वेरी कंसर्न एंड आई ट्रूली बिलीव कि वो इसे सबको जरूर टेक देंगे. एंड नाउ ये हो गया है. दिस इज ये था आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन इशू था. सो दिस इज ऑल अबाउट टू डेज प्रेस कॉन्फ्रेंस. और यहाँ पे मैं दोबारा स्ट्रेस देना चाहूँगी कि जैसे हमने कहा कि अगर कुछ भी औरत के कुछ भी अगर कुछ इशू हो रहा है आपको बच्चा या फिर औरत किसी भी नॉट ओनली औरत एंड बच्चा सिर्फ नहीं किसी के साथ भी अगर कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट हो रहा है कहीं जगह में सो यू कैन डायरेक्टली कॉल इन टू दे 181 जो कि हेल्पलाइन है हमेशा 24/7 ये जो खुलता है एंड दे आर डूइंग वेरी ग्रेट. और बहुत अच्छे से आप स्टेट में बोलिए और जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब और अपना काम बहुत बखूबी निभा रहा है. तो 181 में आप कॉल कीजिए. और दूसरा हो गया पुलिस जो कि इमरजेंसी नंबर है 112 इट्स ऑलवेज वर्क. सो आप लोग कहीं भी कुछ भी ऐसा कुछ कहीं में देखने को मिलता है या फिर हो रहा है तो आप लोग ये नंबर को याद कीजिएगा 181 112.